हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम जाएंगे माता वैष्णो देवी के भवन से भैरव टेंपल तक, और हम पैदल यात्रा करने वाले हैं क्योंकि हमें रोपवे में टिकट नहीं मिला है। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। तो आइए आपको दिखाते हैं पैदल का रास्ता कैसा है। तो आइए चलते हैं और अपनी भैरव टेम्पल की चढ़ाई शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू होता है भैरव टेम्पल के लिए रास्ता, और जहाँ से भैरव टेम्पल के लिए रास्ता शुरू होता है, यहाँ पे साइड में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं। इनमें सागर रत्ना भी है और इसके अलावा और भी काफ़ी हैं। आप जिसमें भी बैठ कर खाना चाहे आप खा सकते हैं अपना, और आप रेस्ट करना चाहें थोड़ी देर बैठ कर तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आप आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। और आप भीड़ देख सकते हैं कितनी हो रखी है यहाँ पर, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। तो इन दिनों में तो आप यहाँ पे ना आए तो ही बेहतर होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे निकल चुके हैं वहाँ से। आगे चल के इस रास्ते पर आपको कोई दुकान नहीं मिलेगी, बस जो पहले थी वही है यहाँ पे। और फ्रेंड्स, भैरव टेंपल 2 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये रास्ता अभी तो थोड़ा चौड़ा कर दिया गया है, पहले काफ़ी छोटा था, इतना चौड़ा नहीं था पहले। आपको आगे मैं दिखाऊंगा अगर कहीं पे बचा हुआ होगा। अभी वैसे यहाँ पे काम चल रहा है, अभी आप देख सकते हैं जगह जगह पे काम चल रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है आगे कोई रास्ता पहले जैसा हो अभी भी। तो आइए देखते हैं, दिखाते हैं आपको भी। और फ्रेंड्स, यहाँ से आपको घोड़े खच्चर वगैरह मिलेंगे, पालकी वगैरह। अगर आप इनसे भैरव टेंपल तक जाना चाहते हैं तो आप इसमें भी जा सकते हैं, और आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं। रोपवे भी है वैसे, उसका हमें टिकट नहीं मिला, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। और उसकी बुकिंग पहले से भी नहीं होती है, बुकिंग उसकी यहीं आके टिकट लेना होता है, पहले से कोई बुकिंग नहीं होती है रोपवे की। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना यहाँ से है ये छोटा वाला रास्ता। देखो, ये भी थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया है। और दिखाता हूँ मैं आपको अगर आगे कहीं आता है तो। वैसे ये चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा कठिन है माता वैष्णो देवी के भवन वाले रास्ते से, इसमें चढ़ाई उससे भी ज़्यादा है। और आने जाने का ये एक ही रास्ता है, और रास्ता भी थोड़ा छोटा है उससे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा हार्ड होता है चढ़ना। मतलब एक ही रास्ते से आना जाना तो मुश्किल होती है थोड़ी चढ़ने में। देखिए फ्रेंड, जगह जगह कैसा छोटा सा रास्ता आ जाता है इसमें। चढ़ाई देखिए फ्रेंड्स कितनी है एकदम ही यहाँ पे, मतलब मोड़ पे भी चढ़ाई है यहाँ पे थोड़ी सी। कैमरे में इतनी चढ़ाई दिखती नहीं है जितनी होती है रियल में। आप रियल में ही आएंगे तो आप सही से देख पाएंगे, तो आप यहाँ ज़रूर से आएं एक बार। देखिए फ्रेंड्स, कितना आराम से बैठा था बंदर पीछे। तो फ्रेंड्स, अब आप थोड़ा रास्ता एंजॉय कीजिए, मैं आपको मिलता हूँ आगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे काम चल रहा है, मैं आपसे कह रहा था ना जगह जगह काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जगह जगह काम हो रहा है, और आगे छोटा रास्ता भी है जैसा पुराना था ऐसा ही। दिखाता हूँ मैं आपको, अभी से चौड़ा कर रहे हैं, फिर काफ़ी आसान हो जाएगा आना जाना, खुला खुला हो जाएगा, सही रहेगा आने जाने में। फिर देखिए फ्रेंड्स, सामने आप देख सकते हैं पहले ये रास्ता कितना सा था, इतना ही था जितना अब आपको आगे दिख रहा है। यहाँ पर काम चल रहा है, इसे चौड़ा किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा रास्ता था ये पहले पूरा, जहाँ से वो शुरुआत होती है, जहाँ से भैरव टेम्पल 2 किलोमीटर लिखा हुआ है वहाँ से लेके वो पूरा ऊपर तक इतना ही था।
तो अब वो आधा तो कर दिया है, इसके आगे का जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा पूरा, तो देखते हैं हम आगे। और फ्रेंड्स अब हम आपको सीधा मिलते हैं भैरव टेम्पल से थोड़ा सा पहले, और अब बताते हैं आपको वहाँ के बारे में। एक बार मैं आपको थोड़ा आगे चल के बाहर से व्यू भी दिखा देता हूँ, यहाँ से माता वैष्णो देवी के भवन का व्यू कैसा आता है दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड देखिए ये रोप वे, और वो सामने आप माता वैष्णो देवी का भवन देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ से, और रोप वे भी और भवन का व्यू भी पूरा व्यू आ जाता है यहाँ से एक साथ। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा रास्ता एंजॉय कीजिए, अब मैं आपको मिलता हूँ आगे। फ्रेंड्स भैरव टेम्पल से थोड़ा सा पहले यहाँ पे रोपवे वाला रास्ता भी मिलता है, रोपवे के लिए अगर आप रोपवे से आते हैं तो यहाँ से एक ही रास्ता हो जाता है, और यहाँ से थोड़ी खाने पीने की दुकानें भी शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा तो नहीं मिलता यहाँ पे, थोड़ा बहुत ही मिलता है। और इसके बाद यहाँ पे आप प्रसाद भी ले सकते हैं, यहाँ पे प्रसाद की दुकान है, इसके आगे आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, भैरव टेम्पल के लिए प्रसाद आपको यहीं से मिलेगा, आप देख सकते हैं भेंट शॉप। तो फ्रेंड्स आप भीड़ देखिए यहाँ पे कितनी हो रखी है, और यहाँ पे एक भोजनालय भी है, आप यहाँ खाना चाहे तो यहाँ भी खा सकते हैं, रेस्ट करना चाहे अंदर बैठ कर थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ भीड़ से थोड़ा अलग होके भैरव टेम्पल का। तो फ्रेंड्स देखिए आप सामने देख सकते हैं भैरव टेम्पल, काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पे, और आप इसके आसपास का व्यू देखिए, काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ से, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रीन भी लगी हुई है, इसमें आरती होती है जो वो दिखती है, रास्ता भी रास्ते के व्यू भी दिखा देते हैं थोड़े बहुत इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पे, और व्यू काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करवा सकते हैं, और मैं यहाँ से आपको माता वैष्णो देवी के भवन का व्यू दिखाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा व्यू आ रखा है यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये देखिए दर्शन करने वालों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स तो हम पहुँच चुके हैं भैरव टेम्पल पे, हमने दर्शन भी कर लिए हैं, वहाँ के भवन पर बिल्कुल भी वीडियो बनाने की जगह नहीं मिली, तो हम दर्शन करके डायरेक्ट हमने भैरव टेम्पल के लिए चढ़ाई शुरू कर दी, और अब हमने दर्शन कर लिए हैं, और अब यहाँ से निकलते हैं, और मिलते हैं आपको रास्ते में, जाने का रास्ता थोड़ा अलग होगा तो वो भी दिखाते हैं आपको। हमें रोपवे का भी टिकट नहीं मिला था, काफ़ी लंबी लाइन थी, तो हम पैदल ही आ गए। तो आइए अब चलते हैं यहाँ से, और आपको रास्ता दिखाते हैं थोड़ा, और फिर सीधा मिलते हैं आपको होटल रूम में। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं भैरव टेम्पल से, और इस बार हम जाएंगे सांझी छत से होते हुए, और रास्ते में हेलीपैड भी आएगा, वो भी दिखाएंगे हम आपको। आप व्यूज़ देखिए फ्रेंड्स रास्ते के, और रास्ता देखिए कितना छोटा सा है, इतना ही रास्ता है ये पूरा सांझी छत तक, और फ्रेंड्स व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ से, सफाई होती रहती है टाइम टू टाइम पूरे रास्ते की, इसलिए इतना गंदा नहीं दिखता, साफ़ ही है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
तो आइए फ्रेंड्स, आपको हेलीपैड दिखाता हूँ और शायद से हेलीकॉप्टर भी आ रहा है अभी। तो फ्रेंड्स आइए दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स देखिए, आप हेलीकॉप्टर उतरता हुआ देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक दो मिनट के लिए रुकता है, उससे भी कम ही रुकता है। आप देख सकते हैं इसमें से पब्लिक उतरती भी बहुत ही जल्दी है और चढ़ भी साथ ही साथ जाती है। मतलब एक साइड से उतरते हैं और दूसरी साइड से चढ़ते हैं। ऐसे तीन हेलीपैड हैं यहाँ पे। अभी मुझे एक ही दिख रहा है, एक थोड़ा ऊपर है उस तरफ और एक दूसरी तरफ है, तो वो दिख नहीं पा रहे। मुझे ये दिख रहा था और इस पर हेलीकॉप्टर भी आ गया। और फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर के लिए आपको बुकिंग काफ़ी पहले करवानी पड़ती है, 3-4 महीने पहले, हैंड टू हैंड, जहाँ तक है मिल नहीं पाती है, पहले ही बुक हो जाती है सारी। तो आप अगर हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो आप पहले से ही हेलीकॉप्टर के टिकट बुक करवा लें। तो फ्रेंड्स आइए, मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाता हूँ एक बार। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कटरा ऐसा दिखता है पूरा। तो फ्रेंड्स, आप थोड़े व्यूज़ एंजॉय कीजिए, रास्ते के मज़े लीजिए थोड़े। मैं आपको मिलता हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ी आगे चल के आता है मंगला भवन। ये रहने के लिए जगह है, अगर आप स्टे करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये सांझी छत के बिल्कुल पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं सांझी छत पे, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप पालकी या खच्चर से आते हैं तो आप इस वाले रास्ते से ही आएंगे। अगर आप पैदल आते हैं तो आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, इस वजह से यहाँ भीड़ थोड़ी कम रहती है। तो फ्रेंड्स, अब आप आगे थोड़े टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए और मैं आपको मिलता हूँ आगे। हेलो फ्रेंड्स, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने होटल रूम में और हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। काफ़ी भीड़ हो रखी है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए। तो हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।